हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिक्सा बे इज़ अ फैंटेस्टिक रिसोर्स फॉर रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बट कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पिक्सा बे म्यूजिक को अपनी वीडियोज में यूज़ करते हैं तो कई बार आपको पिक्सा बे म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम का इशू फेस करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप जानने वाले हैं कि, कि किस तरह से आप पिक्सा बे म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं विद इन वन मिनट तो guys, पे आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में कॉपीराइटेड क्लेम आया हुआ है एंड यहां पे आप ये मैसेज देख सकते हैं कॉपी राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड द ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज ऑन यूट्यूब एंड अगर मैं डिटेल्स के अंदर जाऊं तो स्टेटस ओवरव्यू में आप देख सकते हैं द कंटेंट आई डी क्लेम ऑन योर वीडियो डजेंट अफेक्ट योर चैनल दिस इज नॉट अ कॉपी राइट स्टाइक एंड यहां पे भी आप देख सकते हैं इंपैक्ट ऑन वीडियो नो इम्पैक्ट बट यहाँ से आप किस तरह से ये कॉपी क्लेम रिमूव करेंगे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आगे बताने वाला हूँ तो गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एक्शन का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि इरेज सॉन्ग रिप्लेस सॉन्ग ट्रिम आउट सेगमेंट एंड डिस्प्यूट तो हमें ना तो सॉन्ग इरेज करना है ना सॉन्ग को रिप्लेस करना है और ना ही हमें उस सेगमेंट को ट्रिम करना है तो हम यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करेंगे एंड यहाँ पे आप ये मैसेज देख भी सकते हैं डिस्प्यूट अ क्लेम इफ यू हैव द नेसेसरी दाइट टू द कंटेंट और अदर इट टेक्स अप टू थर्टी डेज फॉर अ फाइनल रिजोल्यूशन फ्रॉम द क्लेम योर चैनल बॉन्ड रिसीव अ स्ट्राइक इफ योर डिस्प्यूट गेट्स रिजेक्टेड तो यहाँ पे ये यह बोल रहा है जब आप कोई भी डिस्प्यूट रेज करेंगे तो उसको रिजोल्व होने में थर्टी डेज का टाइम लग सकता है बट गाइज ये जो कॉपी राइट क्लेम डिस्प्यूट आप रेज करते हैं ये मैक्सिमम ट्वेंटी फोर आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कॉन्टिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप कॉन्टिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो गाइज रीजन वाले सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ऑरिजिनल कंटेंट लाइसेंस कॉपी राइट एक्सेप्शन एज फेयर यूज एंड पब्लिक डोमेन तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे लाइसेंस क्योंकि हमारे पास म्यूजिक लाइसेंस अवेलेबल है तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद हमें ऑप्शन टिक मार्क करना है आई हैव परमिशन टू यूज द कंटेंट फ्रॉम द कॉपी ओनर इसके बाद फिर से कॉन्टिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद जो हमने लाइसेंस डाउनलोड किया था हम उसको ओपन करेंगे एंड कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आप, आपको सिंपली इसको कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल सी करके इसको पूरा कॉपी कर लेना है इसके बाद इस वाले सेक्शन में इसको आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है एंड आप चाहे तो ये जो नीचे वाली लाइंस हैं ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको ये तीनों ऑप्शन मार्क करने हैं इसके बाद सिग्नेचर वाले ऑप्शन में आप अपना नेम दे सकते हैं जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्यूट है वो सबमिट हो चुका है एंड जैसे ही आप डिस्प्यूट रेज करेंगे आपको एक ई मिलेगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्यूट है वो सक्सेसफुली रेज हो चुका है एंड ये मोस्टली ट्वेंटी फोर आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ मेरी कुछ प्रीवियस मेल्स में कॉपीराइट क्लेम का इशू था तो वो ट्वेंटी फोर आवर्स में रिजॉल्व हो गया था एंड कुछ इस तरह का ईमेल आपको सेंड होगा यूट्यूब की तरफ से एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम रिलीज तो आपका क्लेम रिलीज हो जाएगा एंड आपकी वीडियो से पिक्साबे म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा